जनाजन मैं अंसार रिजवी नुमाइंदा बोलनी शिकागो। इस वक्त मैं यहाँ शिकागो मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ कोलंबस ओहायो से जरका आबिद जो कि कांग्रेस वुमेन के लिए यहाँ पर खड़ी हो रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन है और यहाँ पर सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ है जरका आबिद, पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो कि कांग्रेस वुमेन के लिए यहाँ पर इस दफा इलेक्शन में खड़े हो रही हैं। आइए इनसे इनके एम्स और ऑब्जेक्ट्स से मुतालिक इनके ख्याल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। आप बताएं। मैं जरका आबिद ओहायो के कांग्रेशन डिस्ट्रिक्ट 15 से रन कर रही हूं और इंशाल्लाह ताला जब मैं बनती हूं कांग्रेस वुमेन तो आई विल बी द फर्स्ट वन पाकिस्तानी अमेरिकन गोइंग इन कांग्रेस। रूट्स मेरी पाकिस्तान से हैं और रूट्स मेरी ओहायो से हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एंटी वॉर एंटी वायलेंस एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पर गन वायलेंस के अगेंस्ट मैंने बहुत काम किया है, मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में काम किया है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगी तो मेरा एजेंडा जो है वो सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल जस्टिस पर होगा। खवातीन की एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत काम किया है और मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। और फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम अभी हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पर, तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मेरी हम रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे बैक होम कंट्रीज में जो चीज़ें होती हैं उसके लिहाज से जो बात हम कर सकेंगे वो अभी तक वहाँ US कांग्रेस में नहीं होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगर कांग्रेस के लिए इलेक्ट होती हूँ तो वहाँ पर सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल जस्टिस, वुमेन राइट्स, इकोनॉमिक जस्टिस के हवाले से काम करूँगी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला अपने डेमोग्राफिक को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तानी अमेरिकन साउथ ईस्ट एशियन को रिप्रेजेंट करेंगे। जी नाज़रीन, ये थी जरका आबिद जो कि कोलंबस ओहायो से पाकिस्तानी मुस्लिम कांग्रेस वुमेन इस दफ़ा यहाँ से खड़ी हो रही हैं और ये पहली पाकिस्तानी मुस्लिम कांग्रेस वुमेन होगी जो कि कोलंबस ओहायो से यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अंसार रिज़वी, बोल न्यूज़, शिकागो।